तो चले जानते हैं अंग्रेजी के तीन शब्दों के बारे में, जो है एंडेमिक, पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। इसके बीच में क्या अंतर है और ये सब क्या है। लेकिन आप लोग सुने होंगे और देखे होंगे सोशल मीडिया में, आजकल बहुत तेज से चल रहा है ये तीनों वर्ड। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। एंडेमिक मीन्स बीमारी, जैसे कि कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, जैसे कि देश के कोई छोटे मोटे गांव पे या फिर शहर पे चल रहा है, जैसे कि डेंगू और मलेरिया हो गया, चल रहा है लेकिन अंडर कंट्रोल है, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। और पैंडेमिक क्या है, देश के सारे इलाकों में फैल जाएगा, जैसे कि अंडर कंट्रोल नहीं रहा उसको बोलेंगे पैंडेमिक। और एपिडेमिक क्या है, एपिडेमिक ये है बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे कंट्री में चला जाएगा, विश्वव्यापी हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, विश्वव्यापी महामारी हिंदी में बोलेंगे और अंग्रेजी में एपिडेमिक बोलेंगे। जैसे कि कोरोना का सिलसिला चल रहा है, तो कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। कोरोना फर्स्ट चाइना का वुहान शहर में हुआ था, तो वो क्या था, एंडेमिक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चाइना से फैल गया, चाइना के पूरे इलाकों में फैल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पैंडेमिक बोलेंगे। क्यों, वो देशव्यापी महामारी हो गया, देश के सारे अंचलों में हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सारे कंट्री में हो गया, हमारे देश में हुआ, बाहर के देश में हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक हुआ, वो विश्वव्यापी हो गया, विश्वव्यापी महामारी के नाम से प्रचलित भी हुआ। तो ऐसी कमल कमल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।